एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बाकी गाड़ी में किदा कैंट हो सारे। अब अपा जा रहे हैं फिरोजपुर अपनी चंडीगढ़ में बैचलर लाइफ। बस अब मैं फिरोजपुर जाऊंगा तो मैं ये लास्ट मेरा ट्रिप होगा जो मैं फिरोजपुर लगाऊंगा, जो मेरा बैचलर होगा। चंडीगढ़ की बैचलर लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जब मैं वापस आऊँगा तो आप बैचलर नहीं रहेंगे, लेकिन सामान सारा पैक हो गया। वैसे बाकी गाड़ी में अपना वही सामान पड़ा है जो आप पिछले ब्लॉग में सारा लेके आए थे, मेरी ड्रेस, भाई की ड्रेस, बाकी सारी शॉपिंग एंड। लेकिन जैसे जैसे मैं फिरोजपुर की ओर जा रहा हूँ ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार, वो मेरी बैचलर लाइफ जो इतनी, मतलब चंडीगढ़ में इतने साल बताए मेरी बैचलर लाइफ, वो मतलब कि वो ख़त्म होने जा रही है। वो मुझे रियलाइजेशन हो रही है अब मेरे दिमाग में, वो आ रहा है लाइक भी चंडीगढ़ में कितना कुछ हुआ, इतने अप एंड डाउन आए हैं, वो सारी कहानियाँ ना मेरे दिमाग में बन रही हैं। मैं चंडीगढ़ आया था लाइक जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं चंडीगढ़ मूव हो रहा हूँ, मैं 65,000 रुपीज़ अपना आईफोन 3GS था ना जो हमारा, मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया था, उसको बेच के मैं और थोड़े पैसे और मिला के मैं 65,000 रुपीज़ अपना चंडीगढ़ लेके आया था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, सरी मिली है, बहुत जिगरी यार मिले हैं मुझे यहाँ चंडीगढ़ से। मैं उन्हें जिगरी यार इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो या तुम सही हो जाते हो है ना, तब तो बहुत दोस्त मिल जाते हैं क्योंकि तुम्हारा सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो दोस्त होते हैं ना, जो तुम्हारा टफ टाइम होता है तब तुम्हारे दोस्त बनते हैं ना, वो दोस्त बहुत दिल के करीब होके रह जाते हैं। लो जी, टाइम हो रहा है शाम के 4, आपा पहुंच गए हैं फिरोजपुर की, जिस कारण आपा फिरोजपुर आए हैं। और पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आज वो साई चिट्ठी देने आना था सरी की फैमिली ने, और सरी का भाई, भाभी और सरी की बड़ी बहन पीछे गाड़ी में ही हैं। हम निकले अलग अलग थे लेकिन रास्ते में मिल गए। आपने प्रपोजल वीडियो में देखा होगा, उसमें फेस नहीं दिखे थे, रियलिटी में जो दो बंदे थे ना वहाँ पे, इन्होंने परमिशन दी थी। लो जी, अपने खा लिया छुआरा। छुआरा खाने का मतलब ये होता है कि रियल में लड़का मांगा गया ये छुआरा खाने के बाद। और जब वो साई चिट्ठी होती है, मुझे यहीं पे आके पता चला कि वो साई चिट्ठी लड़के को दिखाते नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, मुझे एक और बात रियलाइज़ हुई कि मैं सोच रहा था कि मैं शादी में ना लाइक बहुत कम्फर्टेबल होकर व्लॉगिंग कर लूँगा, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन आज मैं बहुत अनकम्फर्टेबल था, आपने देखा होगा मेरे फेस एक्सप्रेशन से, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल था, मेरे मुँह से जुबान ही नहीं निकल रही थी वैसे तो। बाकी ये देखो, ये डब्बे रख लिए हैं क्योंकि सरी के भैया, भाभी और बहन वो निकल गए चंडीगढ़ के लिए, और मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे ये यहाँ के लोकल दोस्त हैं ना, जो 4th क्लास से मेरे साथ पढ़े हैं, उनको कार्ड बांट। एक हो गया, अब दूसरा। चार डन, 9 डन। लो जी, अपना आज का काम डन। गुड मॉर्निंग, आज अगला दिन, लेकिन अभी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि मैंने आपको 2020 की स्टार्ट में क्या बोला था कि 2020 में व्लॉग आएंगे ठाक ठाक करते। वो इम्पोर्टेंट काम क्या है कि अभी आप लगवा रहे हैं गीगा फाइबर ताकि स्पीड टॉप क्लास में। मैं आपको घर दिखाता हूँ, ये घर अभी सज गया है, हल्की फुल्की डेकोरेशन हो गई हुई है, लेकिन जो वो रियल वाले फूल है ना, वो रियल वाले फूल अभी
19 को ही लगेंगे या फिर 18 शाम को लगेंगे, ये छोटा मोटा कर दिया है। ये अपना स्कूल, जिस स्कूल से अपने प्लस वन प्लस टू की है। लेकिन अब आपा कहाँ पे जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा जो मेरी वेडिंग ड्रेस वाला वो सीन था, उसके ऊपर जो मैंने पग बांधी हुई थी वो पग उन्होंने साथ ही दी थी जो उन्होंने ऑलरेडी रेडीमेड बांध रखी होती है, वो बहुत ही मेरे सिर पे फेक लग रही थी, लाइक मेरी फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही नहीं लग रही थी। तो अभी आपा ने यहाँ से फिरोजपुर से एक बंदा ढूंढा है जो स्पेशल जैसी तुम पग चाहो वैसी पग बांध देता है। तो मैं जो चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ रजवाड़ा टाइप पग बांधना। और जी वो सर क्या हाल चाल? ये अपने मनसिमर भाई उर्फ गुफी, हम गुफी का गुफी ना रिफी हम रिफी कहते। जब सरी भाई ने फिरोजपुर में आना है ना 19 तारीख को, तो जो सरी ने सबसे पहले जिनके घर आना है ना वो इनका घर है, क्योंकि सरी ने तैयार होने इनके घर ही जाना है। तो एक बार सरी को पहले फोटो भेज देते हैं क्योंकि उसकी अप्रूवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भाई हैं जो 19 तारीख को अपनी पगड़ी बांधेंगे। थैंक यू। अब लो जी पगड़ी अपनी फाइनल, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि जो वहाँ से आप ये कलगी लेके आए हैं ना, ये नीचे इधर इधर तीन नहीं है और इधर तीन है, अब अपने को नई कलगी लेनी पड़ेगी। ओ जी देरी, अब अपन लेने आएंगे 5 बजे। अपनी कलगी जुड़ गई है अपनी, अपनी अपने जो पग है वो पीको होने अपने दे दी है, और मुझे आज पता चला कि पीको होती क्या रियलिटी में, मुझे पता नहीं था पीको क्या होता। कल मैं जा रहा हूँ कहीं और, लाइक मेरा मन है कि मैं शादी से पहले वहाँ पे माथा टेकूँ, वो कहाँ जा रहा हूँ वो आपको अगले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो इस भाई को अपन करते हैं भाई, चलो ठीक है सर भाई। अब मैं जा रहा हूँ घर, और ये कलगी अपन ने करा ली है सही, और मुझे इनफैक्ट कि सही होके और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लाइक इसकी ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्यों परफेक्ट हो गया? क्योंकि जो ये नीचे वाले अपने जो साइडों पे मोती लगे हैं ना, ये मोती सेम ऑलमोस्ट, नॉट सेम ऑलमोस्ट, उसी कलर के हैं जिस कलर की अपनी पैंट है, मतलब कि बहुत अच्छी बन गई है यार। तो ये था अपना आज का व्लॉग, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नवी खप लाके, जा कर रहा हूँ वो अगले व्लॉग में पता चलेगा।